आपको याद होगा कि होली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो लड़कियां एक स्कूटी पर बैठकर एक दूसरे पर रंग लगा रही है और अश्लीलता करती नजर आ रही है, जिसे लेकर नोएडा पुलिस ने स्कूटी का 33,000 का चालान काट दिया था और इनके खिलाफ FIR भी हुई है। लेकिन आज इन्हीं लड़कियों ने एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में अपना इंटरव्यू दिया है, जिसमें एक लड़की का कहना है कि वो उत्तराखंड की रहने वाली है। आपको बता दें, नोएडा में जिन लड़कियों का स्कूटी पर स्टंटबाजी और अश्लील तरीके से होली खेलने का वीडियो वायरल हुआ था, उनका अब कहना है कि उनसे गलती हो गई, वो आगे से ऐसा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि ये कोई स्टंट नहीं था बल्कि रील बना रही थी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि पुलिस ने आपकी स्कूटी का 33,000 का चालान किया है, उसको कैसे भरोगे, तो उन्होंने कहा कि हम कान पकड़ के माफी मांगते हैं, हमारी हेल्प कीजिए, इतना बड़ा चालान हम कैसे भरेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। वहीं आपको बता दें, स्कूटी पर बैठकर जो दो लड़कियां होली खेल रही थी, वो एक उसमें से प्रीति है और एक विनीती है, और स्कूटी पीयूष चला रहा था। और इन्हीं लड़कियों का दिल्ली मेट्रो में भी एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने मेट्रो के अंदर शूट किया था, और इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से अश्लीलता फैलाई जा रही है। अब इस मामले में प्रीति का कहना है कि जब पब्लिक को बुरा लगा तो हमें भी लगा है, वो नहीं करना चाहिए था, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मैंने पहले कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाए, हम केवल सीढ़ियों से गिरने वाला वीडियो बनाते हैं। और प्रीति का कहना है कि वो उत्तराखंड की रहने वाली है। प्रीति का कहना है कि वो केवल रील्स बनाने के लिए दिल्ली में रहती है, उनके पिता गरीब हैं इसीलिए वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, मेरे छोटे छोटे भाई हैं वो पढ़ाई करते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और जब अब वो फंस गई हैं तो उनका कहना है कि लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको बुरा लगता है तो हम इस तरह की वीडियो नहीं बनाएंगे, हम वैसे ही वीडियो बनाएंगे जैसे आपको अच्छे लगते हैं, हमें प्यार करिए और सपोर्ट करिए। और कोई हमारा मकसद इस तरह से नहीं था कि पब्लिक को मतलब ठेस पहुंचाना या किसी के साथ वो करना इस तरह से, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए एक वीडियो मेरा वायरल हुआ, उसको लोग बोल रहे हैं कि अश्लीलता फैला रहे हैं, सब कुछ नहीं है कि पब्लिक को हम गलत दिखाना चाह रहे हैं ऐसा। पब्लिक को बुरा लगा तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए था, और मुझे देखो मैं क्या बताया, मुझे इतना वो नहीं है कि हमें इतना दिमाग नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड।